नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीरोधा के काइट मोबाइल ऐप में आप शेयर को कैसे बाय और सेल कर सकते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से हो। अभी जो हमारा काइट ऐप है वो बहुत ही अपग्रेड हो चुका है। पहले जो वर्सन था और अभी का जो वर्सन है वो बहुत ही अपग्रेडेड वर्सन है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप बाय और सेल कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं जीरोधा काइट मोबाइल ऐप में। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दें, अगर अभी तक आपने जीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा में ओपन करा सकते हैं। जैसे आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं, उसके बाद आपको गूगल प्ले स्टोर से जीरोधा का जो काइट मोबाइल ऐप है ये आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जीरोधा के साथ ओपन कर लेते हैं, उसके बाद काइट मोबाइल ऐप जो है जीरोधा का वो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, जहाँ से आप काइट मोबाइल ऐप भी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ से ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। चलिए हम पासवर्ड डाल लेते हैं। जैसे आप पासवर्ड डाल लेते हैं तो फिर लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे फिर से यहाँ पर आपको पिन मांगेगा जो 6 डिजिट का पिन है। या तो आप अपना फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं या तो आप 2 क्वेश्चन सेट कर सकते हैं, तो FA2 क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। तो आप तीनों में से जो चाहे वो सेट कर सकते हैं। चलिए हम पिन डाल लेते हैं। जैसे आप लॉगिन कर लेते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर हमारा देख सकते हैं वॉचलिस्ट है पहला ऑप्शन। यहाँ पर देख सकते हैं पहला ऑप्शन है वॉचलिस्ट, दूसरा है ऑर्डर, तीसरा है पोर्टफोलियो, चौथा है हमारा ऐप और पांचवा है यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अकाउंट है। यहाँ पर क्लिक करेंगे पांचवे पर तो आपका अकाउंट दिखाएगा। तो सबसे पहला वॉचलिस्ट है। वॉचलिस्ट में यहाँ आपको 5 वॉचलिस्ट मिलते हैं, वॉचलिस्ट 1, वॉचलिस्ट 2, वॉचलिस्ट 3। इस तरह से कुल 5 वॉचलिस्ट है जिसमें आप कुल 50 स्टॉक्स या इंडेक्सेस ऐड कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक या इंडेक्स को ऐड करने के लिए आपको इस सर्च बार पर क्लिक करना है। सर्च बार पर क्लिक करते हैं, जैसे वहां पर आपको टाइप करना है, जैसे हम रिलायंस को ऐड करना चाहते हैं तो यहां पर रिलायंस टाइप करेंगे। जैसे रिलायंस टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको रिलायंस आ जाएगा। अब इसमें आपको BSE में ऐड करना है या NSE पे, मतलब आप जो रिलायंस का स्टॉक है वो BSE पे बाय करना चाहते हैं या NSE पे, ये आपको सेलेक्ट करना है। चलिए हम NSE पे बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, मतलब इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, ये हमारा ऐड हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रिलायंस जो है ऐड हो चुका है। आप वॉचलिस्ट 1, वॉचलिस्ट 2, वॉचलिस्ट 3, वॉचलिस्ट 5 सब में अपना 50 स्टॉक्स या इंडेक्सेस ऐड कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर देखना है ऑप्शन ऑर्डर। ऑर्डर में आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं, पेंडिंग मतलब जो ऑर्डर आपने प्लेस किया है आज जो कि एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब अभी तक वो ऑर्डर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो पेंडिंग में दिखाएगा। और दूसरा है एग्जीक्यूट, मतलब जो ऑर्डर आपका कंप्लीट हो गया वो एग्जीक्यूट में दिखाएगा। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है GTT गुड टिल ट्रिगर, जो कि अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ है तो वो ऑर्डर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद हमारा आता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाता है होल्डिंग्स। यहाँ पर जो भी आपने लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स को होल्ड किया है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, मतलब लॉन्ग होराइजन के लिए जो भी स्टॉक्स आपने बाय करके रखा है वो होल्डिंग में दिख जाएगा। दूसरा है पोजीशन, इसमें आपको वो सारे स्टॉक्स दिख जाएंगे जिसे आज आपने या तो बाय कर रखा है या तो सेल कर रखा है, मतलब या तो बाय किए हैं वो दिखाएगा या आपने सेल कर रखा है इंट्राडे के लिए या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या आप लॉन्ग अवधि के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो सारे स्टॉक्स यहाँ पर आपको पोजिशन में दिखाएंगे। आज के जितने भी आपके बाय किए हुए हैं या सेल किए हुए हैं तो वो पोजीशन में आपको शो हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन है ऐप। यहाँ पर आपको क्वाइन बाय जीरोधा दिखा रहा है, इसमें आप क्वाइन बाय जीरोधा से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बाय कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्सिटी, ये बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको स्टॉक मार्केट के बारे में यहाँ पर आपको मिल जाते हैं जो कि आप फ्री में लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्मॉल केस, आप अपना स्मॉल केस क्रिएट कर सकते हैं या स्मॉल केस को बाय कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टॉक्स जिसे आप एक बार में बाय कर सकते हैं स्मॉल केस के थ्रू। आगे हम इस पर ट्यूटोरियल बनाएंगे स्मॉल केस क्या है, स्मॉल केस के तहत आप कैसे एक बार में एक बंच ऑफ स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं, मतलब 10 स्टॉक 20 स्टॉक जितना चाहे एक ग्रुप ऑफ स्टॉक को एक बार में बाइंग कर सकते हैं, मतलब एक बार में पोजिशन बना सकते हैं। तो ये इसी तरह यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि जीरोधा ऑफर करता है। उसके बाद माई ऐप आता है, तो यहाँ पर देखते हैं स्मॉल केस मतलब जीरोधा के जो ऐप है क्वाइन और सपोर्ट पोर्टल। उसके बाद यहाँ पर पांचवा है, यहाँ पर आते हैं तो आपके सारे जो प्रोफाइल है उसके डिटेल यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर देखते हैं आपका जो नाम है जो आईडी है, उसके बाद यहाँ पर फंड, यहाँ पर प्रोफाइल, यहाँ पर सेटिंग, तो उसके बाद यहाँ पर कंसोल।
कंसोल यहाँ से आप देखते हैं, अगर आईपीओ बाय करना है तो यहाँ से जा सकते हैं, अपना प्रॉफिट और लॉस देख रहे हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, ट्रेड बुक देखते हैं, अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे भी कोई भी ऑर्डर हम किसी भी स्टॉक्स को बाय करने और सेल करने में प्लेस करें। तो किसी भी स्टॉक्स को बाय करना हो या सेल करना हो तो उस स्टॉक पर आपको क्लिक करना है, जैसे हमारा रिलायंस है, हमने रिलायंस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आता है बाय ऑर्डर, दूसरा आता है सेल ऑर्डर। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय ऑर्डर पर क्लिक करें, अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप सेल ऑर्डर पर क्लिक करें। और जैसे आप यहां पर इसको ऊपर की ओर स्लाइड करेंगे तो यहां पर आपको यहां पर देख जाता है व्यू चार्ट, यहां से आप चार्ट इसका देख सकते हैं, यहां क्रिएट जीटीटी कर सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको इसका मार्केट डेप्थ दिख जाता है। मार्केट डेप्थ होता है कि स्टॉक्स में कितने ऑर्डर जो है बाइंग के हैं, कितने ऑर्डर सेल के प्लेस के हैं। यहां पर आपको मार्केट डेप्थ दिख जाएगा स्टॉक के बाय और सेल का, जिससे आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि लिक्विडिटी कितना है स्टॉक्स में। तो बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर के जो डेप्थ है उससे आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि लिक्विडिटी कितना है स्टॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आज का जो ओपन प्राइस है वो देख सकते हैं, यहाँ आज का जो हाई प्राइस है रिलायंस स्टॉक का वो देख सकते हैं, लो प्राइस वो देख सकते हैं, और जो पिछले ट्रेडिंग डे क्लोज हुआ था जिस प्राइस पे वो देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो आपको जो वॉल्यूम है आज के ट्रेड का वो दिख जाता है, कितना टोटल क्वांटिटी बाय और सेल हुआ है। उसके बाद किस एवरेज प्राइस पर जो क्वांटिटी है वो बाय और सेल हुआ है। उसके बाद जो लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी है यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार वेरी कर रहा है कि क्वांटिटी लास्ट कितना ट्रेड हुआ है। उसके बाद यहाँ पर लास्ट ट्रेड टाइम दिख जाता है कि लास्ट टाइम कितने टाइम पर ट्रेड हुआ है इस स्टॉक में। उसके बाद यहाँ पर लोअर सर्किट दिख जाएगा कि ये इस स्टॉक का लोअर सर्किट आज कितना है, अपर सर्किट यहाँ पर दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर जो है स्टॉक के बारे में आप फंडामेंटल रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद सेट एंड अलर्ट, एक अलर्ट सेट कर सकते हैं अगर आपको स्टॉक को कभी बाय और सेल करना है। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक का टेक्निकल देख सकते हैं, उसके बाद स्टॉक रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल पर क्लिक करते हैं और फंडामेंटल स्टॉक्स का यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे हमने क्लिक किया देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसका चार्ट देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर वन मंथ का रिटर्न देख सकते हैं, वन ईयर का रिटर्न देख सकते हैं, इसका स्टॉक का बीटा कितना है, मतलब वॉलेटिलिटी कितना है, स्टॉक कितना वॉलेटाइल रहता है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट कैप देख सकते हैं स्टॉक का कितना है। उसके बाद यहाँ पर आप पी रेशियो देख सकते हैं स्टॉक का, पीवी रेशियो देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, सेक्टर पी देख सकते हैं और सेक्टर पीवी देख सकते हैं, मतलब सेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं स्टॉक को। उसके बाद जो सेक्टर डिविडेंड यील्ड है उससे कंपेयर कर सकते हैं इस स्टॉक के डिविडेंड यील्ड को। तो यहाँ पर आपको सारे चीज़ मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको CAGR भी देखने मिल जाता है, रिलायंस का वेटेज कितना है हमारा निफ्टी में वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं कि 8% वेटेज रखता है रिलायंस हमारे निफ्टी 50 में। तो फिर हम यहाँ से बैक आते हैं, अब यहाँ से आप टेक्निकल एनालिसिस अगर करना हो तो यहाँ से आप टेक्निकल पर जा सकते हैं और इसका टेक्निकल देख सकते हैं स्टॉक का। तो अब हम यहाँ पर बाय ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, जैसे आप बाय पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ सबसे पहले क्वान्टिटी, आपको कितना क्वान्टिटी बाय करना है, एक क्वांटिटी बाय करना है तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा, अगर दो क्वांटिटी बाय करना है तो टू प्लेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्राइस मिल जाता है कि आप जो है किस प्राइस पे बाय करना चाहते हैं तो वो प्राइस यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, CNC और MIS। CNC होता है कैश एंड कैरी, अगर आप स्टॉक को एक लंबी अवधि के लिए, जैसे है दो दिन से अधिक के लिए, जैसे 10 दिन, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप CNC ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेकिन अगर आप आज ही बाय करते हैं और आज ही सेल करना चाहते हैं तो आप MIS ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ से जो सिलेक्ट करना है CNC या MIS, MIS तब सेलेक्ट करना है जब आप इंट्राडे करते हैं, मतलब आज ही बाय करते हैं, आज ही सेल करना चाहते हैं। CNC तब सेलेक्ट करेंगे जब आप लंबी अवधि के लिए स्टॉक को बाय करके रखना चाहते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ मिलता है हमके ऑर्डर टाइप। ऑर्डर टाइप में आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, पहला मार्केट ऑर्डर, दूसरा लिमिट, तीसरा स्टॉप लॉस और चौथा SLM। तो पहला जो मार्केट ऑर्डर, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप जो भी CNC और MIS जो भी ऑर्डर प्लेस करेंगे वो मार्केट प्राइस पर उस समय जो भी मार्केट प्राइस होगा रिलायंस स्टॉक का उस पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा है लिमिट, जैसे आप लिमिट सेलेक्ट करते हैं तो आप यहां पर अपना प्राइस सेट कर सकते हैं, आपको किस प्राइस पर ये स्टॉक बाय करना है। जैसे हम 1400 सेट कर देते हैं तो हमारा जो ऐसे हम लिमिट ऑर्डर को प्लेस करेंगे तो जब रिलायंस का स्टॉक हमारा 1400 आएगा तब जाकर के हमारा एग्जीक्यूट होगा। और तीसरा हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं कि मतलब जो हमारा 1400 पर आपको बाय करना है लेकिन जो ट्रिगर प्राइस है वो क्या होना चाहिए। तो ट्रिगर प्राइस जो है यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, जैसे हम 1410 रुपया सेट कर सकते हैं कि 1410 रुपया जैसे आए हमारा जो ऑर्डर है वो ट्रिगर हो जाए,
उसके बाद हमारा चौथा है SLM, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, मतलब आप स्टॉप लॉस भी रखना चाहते हैं और जो ऑर्डर है वो मार्केट प्राइस पर हमारा क्या हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए। तो जैसे हम ट्रिगर प्राइस 1410 रुपया सेट कर देते हैं, तो जैसे हमारा जो ऑर्डर है वो ट्रिगर होगा तो उस समय जो भी मार्केट प्राइस होगा रिलायंस का, उस पर हमारा शेयर बाय हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में होता है कि आप जो भी यहाँ पर प्राइस सेट करेंगे उस वो ट्रिगर होते ही आपका जो भी मतलब करेंट प्राइस होगा रिलायंस का, उस पर आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, मतलब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर देख सकते हैं सेट स्टॉप लॉस, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पर सेट यहाँ से भी आप टारगेट सेट कर सकते हैं, ये परसेंटेज में होगा। तो जैसे हम देखिए क्लिक करते हैं सेट स्टॉप लॉस पे, यहाँ पर आप परसेंटेज में अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम सेट टारगेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं आप परसेंटेज में टारगेट सेट कर सकते हैं। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वैरायटी ऑफ ऑर्डर, तो इसमें आपको कुल चार ऑप्शन मिलते हैं। पहला है रेगुलर ऑर्डर, रेगुलर ऑर्डर मतलब एक नॉर्मल ऑर्डर। दूसरा है ब्रैकेट ऑर्डर, तो ब्रैकेट ऑर्डर में मतलब एक ब्रैकेट में आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना है, इसमें एक प्राइस रेंज के बीच आप ऑर्डर को प्लेस करते हैं। तो जैसे आप ब्रैकेट ऑर्डर को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको सेट करने बोला जाएगा स्टॉप लॉस, फिर यहाँ पर सेट करने बोला जाएगा आपको टारगेट, और यहाँ पर सेट करना बोला जाएगा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो जैसे आप स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं कि जैसे हमको 10 रुपीज़ नीचे स्टॉप लॉस हम अपना लगा देते हैं, हम 10 रुपये का स्टॉप लॉस सेट कर देते हैं कि हम 10 रुपये का जो हानि है, जो लॉस है वो सहन कर सकते हैं। और फिर टारगेट हमें आगे जो है टारगेट जो है 40 रुपीज़ का लेना है कि हम 40 रुपीज़ का प्रॉफिट इसमें चाहते हैं, तो टारगेट आपको 40 रुपीज़ सेट कर देना है। फिर आता है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन, इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है कि जैसे आप इसमें 1 प्लेस करते हैं तो जैसे ये करेंट प्राइस जो है हमारा रिलायंस का, या कहें जिस प्राइस पे आप यहाँ पर रिलायंस को बाय करना चाहते हैं, उससे जैसे 1 रुपया ये आगे जाएगा, जैसे 1 रुपया ये ऊपर जाएगा तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी 1 रुपया ऊपर बढ़ जाएगा। जैसे ये हमारा 1432 आ गया, 1433 हो जाएगा, मतलब 2 रुपया रिलायंस का प्राइस जो ऊपर चला गया तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी 2 रुपीज़ ऊपर चला जाएगा। तो ये होता है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, कि यहाँ पर जितना रुपीज़ आप यहाँ पर देंगे, 1 देंगे तो 1 रुपीज़ से आपका स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ जाएगा, 2 रुपीज़ देंगे तो 2 रुपीज़ से आपका स्टॉप लॉस ऊपर बढ़ जाएगा जब शेयर का प्राइस 2 रुपीज़ ऊपर जाएगा। तीसरा होता है हमारा कवर ऑर्डर, कवर ऑर्डर होता है इसमें आप अपने रिस्क को कवर कर रहे हैं, मतलब आपको कितना लॉस लेना है ये आप कवर करते हैं, तो ऐसे में आपको मार्जिन जो है बहुत ही ज़्यादा मिलता है जीरोधा की तरफ से, मतलब जो इंट्राडे करते हैं उसके लिए आप ब्रैकेट और कवर ऑर्डर यूज करते हैं, तो ब्रैकेट और कवर ऑर्डर स्पेशली इंट्राडे के लिए ही है, और इसमें आप जो है अपना जो लॉस है वो कवर कर लेते हैं। इसमें आपको जो बहुत ज़्यादा मार्जिन जीरोधा की ओर से प्रोवाइड किया जाता है, तो यहाँ पर आपको अपना स्टॉप लॉस जो ट्रिगर स्टॉप लॉस है वो सेट कर देना है कि आप कितना का लॉस बुक करना चाहते हैं। ये लॉस जो है आपका 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जो 1.5% है 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए आपका जो स्टॉप लॉस है, क्योंकि ये कवर ऑर्डर है, आपको 1.5% से अधिक जो है स्टॉप लॉस सेट करने नहीं दिया जाएगा कवर ऑर्डर में। तो यहाँ पर हम चलिए सेट कर लेते हैं 1412 रुपीज़। चौथा ऑप्शन है AMO, AMO होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, मतलब जो 3:30 के बाद आप शाम में और सुबह के 8:59 मतलब 9 बजे तक जो भी बीच में ऑर्डर प्लेस करेंगे वो होगा AMO ऑर्डर। तो AMO ऑर्डर आप 3:30 के बाद और कल के सुबह के 9 बजे तक प्लेस कर सकते हैं, और ये आपका ऑर्डर जो होगा अगले दिन के लिए होगा, अगला दिन जो ट्रेडिंग होगा उस दिन आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे आप कभी बिजी होते हैं, आप उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो ऐसे में आप AMO ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं कि आपका शेयर बाय हो जाए। उसके बाद नीचे आते हैं तो आता है वैलिडिटी, वैलिडिटी में आपको 2 ऑप्शन मिलता है, डे और IOC। डे होता है कि ये ऑर्डर आपका पूरे दिन तक के लिए प्लेस रहेगा जब तक कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ना हो जाए। उसके बाद दूसरा है IOC, IOC मतलब होता है इमीडिएट और कैंसिल, इमीडिएट और कैंसिल। जब ये ऑर्डर आप प्लेस करते हैं तो आप जैसे 10 क्वांटिटी प्लेस किए कि रिलायंस का 10 शेयर आपको बाय करना है, लेकिन उस समय अगर आपका 5वीं क्वांटिटी बाय होता है उस प्राइस पे, तो आपका 5 क्वांटिटी बाय हो जाएगा और 5 जो क्वांटिटी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये होता है इमीडिएट और कैंसिल IOC।
उसके बाद नीचे आता है डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। जैसे आप 10 शेयर बाय करते हैं लेकिन आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं दो ही, तो यहाँ पर आप दो प्लेस कर देंगे, यहाँ पर दो राइट कर देंगे, तो मतलब आपका बाय होगा 10 शेयर लेकिन जो क्वांटिटी शो होगा वो दो ही होगा। डिस्क्लोज क्वांटिटी उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है जो कि बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी बाय करते हैं और वो अपना शो ऑफ नहीं करना चाहते हैं शेयर, मतलब जो शेयर को करोड़ों में लाखों की क्वांटिटी में बाय करते हैं तो वो यहाँ पर हज़ार ही क्वांटिटी शो करते हैं, तो यहाँ पर 1000 प्लेस कर देंगे, उनका क्वांटिटी जो शो होगा सिर्फ 1000 होगा लेकिन वो लाखों शेयर करोड़ों शेयर बाय कर सकते हैं लेकिन शो जो होगा सिर्फ और सिर्फ 1000। तो यहाँ पर जितना क्वांटिटी आप भर देंगे सिर्फ उतना ही क्वांटिटी जो है शो करेगा दूसरों को जब वो आपके बारे में सर्च करेगा कि कितना शेयर आपने बाय किया। तो कुल ये सारे ऑप्शन थे, आपने ऑप्शन को समझ लिया, तो चलिए अब हम पहले आपको MIS प्लेस करके दिखाते हैं, फिर आपको CNC ऑर्डर प्लेस करके हम दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम MIS प्लेस करके दिखाते हैं आपको और मार्केट प्राइस पे हम इसको बाय करेंगे। तो मार्केट प्राइस पर जैसे हम ऑर्डर को प्लेस करेंगे ये हमारा शेयर बाय हो जाएगा और यहाँ पर हम रेगुलर को सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद हम डे सेलेक्ट कर लेते हैं। जब आप मार्केट प्राइस पर बाय करते हैं तो दो ही क्वांटिटी बाय कर रहे हैं तो आपका डे पर या IOC दोनों पे बाय हो जाएगा, मार्केट प्राइस पे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम ऑर्डर प्लेस किए देख सकते हैं हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप ऑर्डर में क्लिक करेंगे, जैसे ऑर्डर पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर में दिखा रहा है कि हमारा 1429 रुपीज़ पर, मतलब 1429 रुपीज़ पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में जाएँगे, जैसे पोर्टफोलियो में गए आप पोजीशन में जाएंगे, पोजीशन में ये हमारा दिखाएगा कि ये जो हमने शेयर बाय किया है इसमें हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना अभी लॉस हो रहा है। तो देख सकते हैं ये हमारा अब जो प्राइस है ये चल जा चुका है कितना 1431 रुपीज़ 80 पैसा और हमें कुल प्रॉफिट हो रहा है अभी 4 रुपीज़ का। और देख सकते हैं ये शेयर लगातार उतार चढ़ाव इसमें देखने मिल रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें लगातार आपका प्रॉफिट जो है वो कम और ज़्यादा होता रहेगा। तो यहाँ से आप चाहते हैं तो आप इस शेयर को बेच करके सेल करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अपने पोजिशन पर जो आपका रिलायंस स्टॉक है और यहाँ पर आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप एग्जिट में क्लिक करेंगे तो यहाँ MIS आपका खुद ब खुद सेलेक्टेड आ जाएगा। यहाँ पर आप मार्केट प्राइस अगर सेल करना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस पर क्लिक करेंगे, अगर लिमिट में चाहते हैं तो यहाँ लिमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे हम लिमिट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो प्राइस था ऑटोमेटिक ले लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे ये हमारा क्वांटिटी सेल हो जाएगा। तो चलिए हम सेल पर क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं जैसे हमने सेल पर क्लिक किया फिर से हम ऑर्डर में जाएंगे। जैसे हमने यहाँ आया देख सकते हैं कि जो दो क्वांटिटी है रिलायंस का सेल का वो भी एग्जीक्यूट हो चुका है और जो दो क्वांटिटी है वो बाइंग का वो भी कंप्लीट हो गया। और कुल हम यहाँ पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ यहाँ पर पोर्टफोलियो में जाएंगे, यहाँ पोजिशन में जाएंगे और यहाँ देख सकते हैं कुल हमें जो प्रॉफिट हुआ इसमें 7 रुपीज़ 30 पैसा का हमें कुल इस दो शेयर के बाय और सेल करने में, जो इंटरडे था इंटरडे में हमने जो दो शेयर बाय और सेल किया उसमें कुल हमें 7 रुपीज़ 30 पैसा का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो इस तरह से आप इंटरडे करके डेली का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आपको किस तरह से बाय करना है और फिर किस तरह से हायर प्राइस पे सेल करना है ये आपने सीख लिया। अब चलते हैं हम जो इन्वेस्टमेंट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आप शेयर को बाय और सेल करते हैं तो वो कैसे करना है। फिर से यहाँ से हम रिलायंस पर क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बाय करना है हमें तो बाय पर क्लिक करेंगे, सेल करना है तो सेल पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हम बाय पर क्लिक किए तो यहाँ पर आप CNC को सेलेक्ट करेंगे, अगर आप मार्केट ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो मार्केट पर क्लिक करेंगे, लिमिट ऑर्डर अगर लगाना चाहते हैं तो लिमिट पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हमने मार्केट ऑर्डर को ही सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे हमारा जो मार्केट प्राइस है उस पर हमारा शेयर बाय हो जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी प्लेस कर देते हैं कि दो क्वांटिटी हम बाय करेंगे, फिर यहाँ पर हमारा जो डे है डे ही रहने देते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ऑर्डर में जाते हैं तो देख सकते हैं हमने जो बाय ऑर्डर था उस पर क्लिक किया था, तो यहाँ पर हमारा रिलायंस का स्टॉक जो है हमारा फिर से बाय हो चुका है मार्केट प्राइस 1429 रुपीज़ 75 पैसा पर। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर आप 1-2 रुपये नीचे या ऊपर बाय करते हैं ये मायने नहीं रखता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो शेयर का प्राइस निश्चित है कि बहुत ही ऊपर जाएगा अगर फंडामेंटली वो स्टॉक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से आप इंटरडे के लिए और लंबी अवधि के लिए स्टॉक को बाय कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। इंटरडे में आप अपना डेली का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं,
जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बाय और सेल आपने सीख गया, चार्ट व्यू चार्ट देखने के लिए सीख गया, और उसके बाद आप क्रिएट जीटीटी, अब इस ऑप्शन पर चलते हैं और क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करते हैं। जैसे आप क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय ऑप्शन और सेल ऑप्शन, दो ऑप्शन मिलता है, तो आप बाय या सेल जो करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेते हैं बाय। और यहाँ पर जीटीटी जो है, जीटीटी एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें आप गुड टिल ट्रिगर, मतलब आपको अभी ये शेयर को बाय नहीं करना है। जैसे आपको लगता है कि ये जो हमारा 1430 रुपये है, रिलायंस का प्राइस बहुत ही हाई है, और ये प्राइस जो है हमारा ये 1200 तक आएगा, मतलब 1200 तक ये प्राइस नीचे आएगा, तो हम उस समय बाय करना चाहते हैं। तो जब ये शेयर प्राइस नीचे आएगा तब आप बाय करना चाहते हैं, तो आप जीटीटी का इस्तेमाल करेंगे। ये ऑर्डर आपका तब तक प्लेस रहेगा जब तक कि शेयर का प्राइस 1200 नहीं आ जाता है। तो जीटीटी जब आपको लगाना हो, कि आप चाहते हैं कि भविष्य में हम इस शेयर को बाय करना चाहते हैं, ये शेयर नीचे आएगा, बहुत ही इसमें प्राइस में करेक्शन आ सकता है, तब आप जीटीटी ऑर्डर का उपयोग कर सकते हैं। तो जीटीटी पर आप जैसे क्लिक किए देख सकते हैं, सबसे पहले आपको बाय करना है या सेल करना है, ये सेलेक्ट करना है। सेल आप तभी करेंगे जब आपके पास पहले से स्टॉक है, तो सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके पास जो भी स्टॉक्स होगा वो सेल हो जाएगा जिस प्राइस को आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ट्रिगर टाइप। ट्रिगर टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, या तो आप सिंगल ऑर्डर, जैसे सिंगल आप बाय ऑर्डर लगा सकते हैं या सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। दूसरा है OCO, होता है वन कैंसिल अदर। उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे तो आएगा ट्रिगर प्राइस, मतलब आपका ट्रिगर प्राइस क्या है, मतलब किस प्राइस को पर पहुँचने के बाद आपका ऑर्डर जो है एक्टिवेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो 1215 रुपया है, तो 1215 रुपया पहुँचने के बाद हमारा ऑर्डर क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पर हम 1215 रुपया दे देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वान्टिटी फिल करना है, कितना क्वान्टिटी यहाँ पर आपको बाय करना है रिलायंस का। तो यहाँ पर आप 2, 5, 10, 50 जितना क्वांटिटी है वो फिल कर सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आपको अपना देना है प्राइस, जिस प्राइस पे आप रिलायंस को बाय करना चाहेंगे, तो हम बाय करना चाहेंगे 1200 पर, तो यहाँ पर हम 1200 रुपया यहाँ पर फिल कर दिए 1200। अब यहाँ पर आप क्रिएट जीटीटी पर क्लिक करेंगे, आपका जीटीटी क्रिएट हो गया। जैसे रिलायंस का स्टॉक नीचे आता है 1215 रुपया पहुँचता है, जैसे 1215 पहुँचेगा आपका ऑर्डर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और जैसे ये प्राइस 1200 रुपया पहुँचता है आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, आपका बाइंग हो जाएगा। लेकिन अगर आपका प्राइस एक्टिवेट हो जाता है और रिलायंस का जो शेयर प्राइस है वो 1200 नहीं पहुँचता है, तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट ट्यूटोरियल कि कैसे जीरोधा काइट ऐप पर आप शेयर को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो जीरोधा में जाइए, डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन कीजिए और काइट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, और फिर शेयर को बाय और सेल कीजिए। इंट्राडे में आप डेली प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो और भी बेहतर है, उसमें भी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।